अच्छा अंडे की बिक्री ये हरियाणा अपना जो स्टेट पड़ता है हाँ जी। इसके अंदर अंडे की जो खाने वाले लोग हैं हाँ वो काफी कम है तो भी आप इसका बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे मतलब ये सक्सेसफुल रहेगा बिल्कुल रहेगा भाई साहब अच्छा तो मतलब यहाँ पे कौन लोग खा, खाते हैं अंडे को अपने मंडी भी लगती है मंडी में बेच दो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा मंडी में मंडी में मेहनत क्या टाइम जाता है आपका पूरे दिन में इतने मुर्गियों पे एक घंटा सुबह एक घंटा शाम अच्छा हाँ जी क्या मतलब क्या ध्यान रखते हो आप उनको क्या खिलाते हो आप? ये अपना घरेलू गेहूँ और बाजरा गेहूँ और बाजरा खिलाते थे हो उसके अलावा कुछ नहीं डालते आप? उसके अलावा कुछ नहीं डालते अच्छा अच्छा जो ये जो मुर्गे आपने पाल रखी है मुर्गे भी आपके घूम रहे हैं इनकी क्या खासियत है थोड़ा सा ये बताओ प्योर देसी में ऐसा क्या है देखो फार्म में भी पाल सकते हैं वो बड़े जल्दी टाइम में रेडी हो जाता है इसको टाइम भी काफी लगता है छह महीने में लगते हैं कम से कम इसमें भाई साहब एक तो बीमारी बहुत कम आती है अच्छा बीमारी कम आती है और बाई चानस हम इनको संभाल नहीं पाए अंदर आए कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं होगी अच्छा मतलब की अगर एक दो दिन कहीं इधर उधर चले भी जाए तो भी अपना मैनेज कर लेते हैं जी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में और दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो मैं आज फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म में आया हूं और जो ये देसी पोल्ट्री फार्म है ये लगभग तीन महीने पहले एक जो फार्मर भाई है उसने ये शुरुआत करी है अपने घर के बाड़े में और कैसे वो इससे छोटे से देसी पोल्ट्री फार्म से मुनाफा लेगा और क्या क्या आगे की उसकी प्लानिंग रहेगी वो वी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इन्फार्मेशन लेंगे उनसे और साथ में दोस्तों आपको बता दूँ जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं तो आप भी इसका हिस्सा बन सकता है आपको क्या करना है आपके स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना है ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी साथ में एक दूसरे पोल्ट्री फार्मर भाई से जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारी आती है वो सीखने के लिए मिलेगी बाकी चलिए जो आज की वीडियो है उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं तो नमस्कार भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म की लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये देसी मुर्गी फार्म कर रखा है नमस्कार भाई साहब मेरा नाम सांगवान गाँव राशिवास जिला भिवानी हरियाणा गाँव आपका राशिवास है जिला भिवानी हरियाणा अच्छा भाई साहब आपने ये देसी मुर्गी फार्म कराया आपने बताया था मुझे कि लगभग तीन महीने हो गए मुझे, मुझे ये करते हुए जी जी तो आपने घर के बाड़े में किया है मतलब कि जो ये प्लॉट सा पड़ा है आपका जी। खाली प्लॉट उसके अंदर ये आपने किया है जी। अच्छा क्या विचार आया कि भाई आपको देसी मुर्गी फार्म करना चाहिए कि या किसी भाई ने आपको सलाह दी थी नहीं भाई साहब वैसे शौक हो गया अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आराम आराम से धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा अच्छा मतलब शौक हो गया आपको अच्छा किसी भाई से सलाह ली थी वैसे आपने हाँ भाई सलाह भी लिया था और फिर दिमाग से भी कुछ किया है। अच्छा आप थोड़ा खुल के आवाज मतलब बोले एक बार हाँ जी हाँ जी अच्छा ये बताओ जो आपने ये देसी मुर्गी फार्म किया हाँ जी इसमें आपने अभी नए फार्मर आपने। हाँ हो आपने जी मतलब कुछ सीखा भी होगा लगभग तीन महीने में आपने हाँ, हाँ जी और कुछ ना कुछ आपने इसके अंदर कठिनाई भी झेली होंगी तो थोड़ा सा उस बारे में बताये विस्तार से कि देखो इंसान ने कठिनाई तो झेलना पड़ेगा हम्म हम्म जो भी हमने काम धंधा बिजनेस जो बढ़ाना है आराम आराम से धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा हाँ हाँ धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा जी अच्छा तो क्या मतलब कठिनाई आपने सामना किया इसके अंदर थोड़ा सा ये बताओ क्योंकि नए नए फार्मर है वो इस वीडियो को देख देख रहे होंगे जी तो मतलब कुछ कठिनाइयाँ उनको ना आए तो इस वीडियो के माध्यम से हमारी कोशिश ये रहती है थोड़ा उस बारे में बताओ क्या कठिनाई आई भाई साहब मैं तो आपके चैनल से सीखा अच्छा मेरे चैनल से सीखो आप बिल्कुल जी अच्छा आपने मेरा चैनल देखा था जी अच्छा तो थोड़ी सी आपने कुछ अच्छी जानकारी जुटाई हमारे चैनल से बिल्कुल जी बिल्कुल अच्छा अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है आप जुड़े हो उसके अंदर हाँ व्हाट्सएप से भी जुड़ा हुआ हम आपसे अच्छा वो कैसा मतलब ग्रुप में फ़ायदा मिल रहा है आपको फ़ायदा मिल रहा है जी एक चीज़ का फायदा मिल रहा है अच्छा मतलब दवाइयों की जानकारी मिल रही है बिल्कुल और... हर एक चीज़ का फायदा मिल रहा है अच्छा अच्छा, अच्छा भाई मतलब जो कठिनाइयाँ आई है आपको वो थोड़ा सा उस बारे में बताओ आप मेरे को एक बार भाई साहब आपसे फ़ोन करके पूछा भी है बच्चे वगैरह भी मरे हैं हर एक चीज़ हुआ होता है उसका दवाई सलूसन भी है सब कुछ है अच्छा नहीं आपने जैसे शुरुआत करी तीन महीने पहले तो क्या मतलब दिक्कतें आई आपको उसका सामना करना पड़ा वो थोड़ी दिक्कतों को बताओ विस्तार से मैं बड़े मुर्गे में तो मेरे पास दिक्कत नहीं आई अभी तो छोटे बच्चों में थोड़ी दिक्कत आई है अच्छा छोटे बच्चों में क्या दिक्कत आई है इसमें बीमारी वगैरह का सिस्टम आया फिर आपके बड़े चैनल से दवाई देख के वो दवाई दे दिया मेरे बच्चे बिल्कुल सही है एकदम ओके हैं अभी बच्चे बिल्कुल ओके हैं अच्छा तो भाई आपने ये लगभग कितने मुर्गियां पाल रखी है अपने घर के बाड़े में आगे मैं ये देख रहा हूँ कि आपने ये रोल भी ला रखे हैं, जाली भी थी। ला रखी है अभी तो काम सटा ठीक किया है अच्छा जैसे कि आराम आराम से धीरे धीरे दे बताते जाएंगे हाँ। धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप इस काम को मतलब आपको मुनाफा लग रहा है या फिर मुनाफा लग, लग रहा है भाई साहब अच्छा मुनाफा कैसे लगता है आप बत, किसी भाई ने बताइए आपको क्या मुनाफा मिलता है इसके मैंने अंदर? भाई साहब ओनली अंडे का काम स्टार्ट करना है अच्छा ओनली अंडे का काम का, स्टार्ट करना अच्छा अंडे की बिक्री ये हरियाणा अपना जो स्टेट पड़ता है इसके अंदर अंडे की जो खाने वाले लोग हैं वो काफी कम है तो भी आप इसका बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे मतलब ये सक्सेसफुल रहेगा बिल्कुल रहेगा भाई साहब अच्छा तो मतलब यहाँ पे कौन लोग खा, खाते हैं अंडे को अपने मंडी भी लगती है मंडी में भेज दो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा मंडी में दो हाँ, मंडी में भेज दो मन, मंडी में क्या रेट चलता है इसका देसी देखो किसी रेट में कोई किसी रेट जाता है कोई किसी रेट जाता मैंने गाँव में भी अंडे दिए हैं पीछे अब कोई अस्सी रुपए का भी दिया सौ का भी दिया मगर मैं बीस रुपए का अंडा मान के चल रहा हूँ अच्छा बीस रुपए का मान के चल रहा है अच्छा बीस रूपए का अंडा अगर आप बेचोगे तो आप तो उसमें प्रॉफिट निकल जाएगा आपका बिल्कुल पंद्रह रुपए का प्रॉफिट है।, है।, हाँ, है अच्छा पंद्रह रुपए का प्रॉफिट है मतलब पांच रुपए का दाना का खर्चा लगेगा मुर्गी पाँच रुपए का खर्चा है अच्छा चलिए एक बार थो थोड़ा सा आपका देखते हैं ये घर का बाड़ा है आपने हाँ जी, हाँ जी। ये आप नई जाली अभी लेके आया तो भाई साहब ही किया था इसलिए इसको पूरा कवर करना है अच्छा पूरा कवर कर दो थोड़ा चलते चलते भाई से जानकारी लेंगे मतलब कवर क्यों कर रहे हो आप ये थोड़ा मैंने तो बना रखा है से ना आए। हाँ और बार जाएंगे। बार ये देखो भाई के मुर्गे हैं अच्छा जैसे रख रखाव आप तीन महीने से कर रहे हो तो बहुत सारे फार्मर भाई बोलते हैं कि इसमें मेहनत नहीं लगती थोड़ा इस बारे में बताओ आप भाई साहब मेहनत देखो खाना खाने में भी लगती है तो करना पड़ेगा तो तो पड़े। आपका मुर्गियों पे एक घंटा सुबह एक घंटा अच्छा। क्या, मतलब क्या रखते हो आप उनको क्या खिलाते हो आप? ये अपना घरेलू गेहूँ और बाजरा गेहूँ बाजरा खिलाते हो उसके अलावा कुछ नहीं डालते कुछ नहीं डालते अच्छा और बाकी पानी के लिए आपने क्या प्रबंध कर रखा है पानी कैसे पानी के लिए काम जाएंगे धीरे धीरे आप, आप का। काम को करोगे हैंजी, हैंजी, अच्छा अच्छा जो ये जो मुर्गे आपने पाल रखी है मुर्गे भी आपके घूम रहे हैं इनकी क्या खासियत है थोड़ा सा ये बताओ प्योर देसी में ऐसा क्या है देखो फार्मी भी पाल सकते हैं वो बड़े जल्दी टाइम में रेडी हो जाता है इसको टाइम भी काफी लगता है छह महीने में लगते हैं कम से कम इसमें भाई साहब एक तो ये बीमारी बहुत कम आती है अच्छा बीमारी कम आती है और बाई चान्स हम इनको संभाल नहीं पाए अंदर है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं होगी इसमें अच्छा मतलब कि अगर एक दो दिन कहीं इधर उधर चले भी जाएं तो भी हाँ। अपना मैनेज कर लेते हैं अच्छा जो फीड की कॉस्ट है लगभग ये कितने मुर्गे हैं अपने पास में अपने पास हैं जी बीस बाईस तो बड़े हैं कुछ हैं। बच्चे हैं अच्छा कुछ बच्चे हैं जी तो उनमें कितना खर्चा आ रहा है आपका लगभग मेरा लगभग खर्चा रहा है भाई साहब दो किलो दाना मान के चलो रोजाना का दो किलो दाना आ रहा है लास्ट बता लगभग तीस मुर्गियों पे दो किलो दाना आ रहा है लगभग अच्छा तो लगभग सौ मुर्गियों पे आपके लगभग चार से पाँच छः किलो तक भी चला जाएगा आपका दाने का खर्चा ठीक है तो जो पाँच किलो मतलब अगर हम मान के चले सौ मुर्गियों पे दाने का खर्चा तो जो दाना क्या रेट आ रहा है मतलब केजी के हिसाब के से बताना चाहोगे आप थोड़ा बस ये केजी के हिसाब के से किलो, अच्छा, किलो गेहूँ आता है अच्छा बीस बाईस रुपये किलो गेहूँ आता है लगभग मोटा मोटी सौ रुपये हो गया अगर पाँच किलो भी हम एवरेज मान के चले तो अच्छा तो यही फीड की कॉस्ट आती है लगभग फार्म पे हाँ जी हाँ जी तो भाई के पास में ये मुर्गियां हैं और आगे और भी मतलब भाई बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे खड़े हो ठीक है जाली वगैरह लेके आप नए फार्मर हो अभी ला रखे कितने कितने की है, इनकी बास के होगी? ये भाई साहब बीस फुट लंबा है बीस फुट इनकी लंबाई है जी। अच्छा, तो क्या रेट पड़े थे आपको ये ये पड़े थे भाई साहब तीन सौ का एक पीस तीन सौ का एक पीस पड़ा था लगभग बीस फुट इसकी हाइट है जी अच्छा ये देखो ऐसे बांस के लट्ठे हैं इनका क्या प्रयोग करोगे मतलब यहाँ लगा दोगे दे दे। अच्छा अंदर से दे दे। जैसे के इसके जाली लग जाएगी अच्छा तो जैसे आप मेरे को वो बता रहे थे आप लोहे की एंगल उससे काफी सस्ता पड़ता है सस्ता पड़ता है ये अच्छा और मजबूत भी है मतलब ये मजबूत भी है इसको हम नीचे सीमेंट के अंदर गाड़ सकते हैं इसको सीमेंट के अंदर भी अच्छा तो ऐसे कोई नया फार्मर भाई करना चाहे तो मतलब बास के लट्ठे भी प्रयोग में ला सकता है, है। अच्छा कोई नुकसान नहीं भाई तो आपने जैसे ये देसी मुर्गी है आप एक बार सेवन दिखा दो आपके जो बच्चे हैं वो देखते है, भाई हैं भाई के हैं जी। आ जाओ ये देखो इन्होंने सेवन पे भी बिठा रखी है मुर्गियाँ थोड़ा अंदर चल के देखते हैं भाई का ये देखो बच्चे भी निकाल रखे हैं आपने अभी तो एक दो मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं हाँ हाँ ये देखो भाई के बच्चे और सेवन पे जो मुर्गे बिठा हाँ, रखी थोड़ा दिखाना है। एक बार जी आओ ये देखो ये भाई ने इस तरीके से सेवन पे मुर्गी बिठा रखी है अच्छा भाई इसके नीचे आपने ये कितने अंडे लगा रखे हैं इसके नीचे भाई बीस बाईस बाई अंडे रख रखे हैं तो ये काफी ज्यादा अंडे नहीं हो गए बीस बाईस अच्छा कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं ये बीस बाईस निकाल लेगी बिल्कुल निकालेगी जी अच्छा मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि जितना मुर्गी का साइज होता है उस हिसाब से अंडे रखने चाहिए जी, जी। तो इसका फुल साइज है फुल साइज है मुर्गी का अच्छा तो ये भी भाई के पास में ऐसी देसी मुर्गियाँ हैं जी अच्छा भाई चलो आप ए, कामना करते हैं कि आपके इस जो देसी मुर्गी पालन में सक्सेस हो और हम कभी दोबारा से आपकी वीडियो बनाने आए तब तक आप बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाए बिल्कुल जब आप हफ्ते बाद में आना तब बनाना तब बनाना देखना अपना साइड कोई कोई दिक्कत नहीं अच्छा तो कोई भाई आपसे जानकारी लेना चाहे या फिर कुछ मुर्गे वगैरह खरीदना चाहे तो आप कुछ मदद कर सकते हो बिल्कुल 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 जी करेंगे हाँ तो भाई का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा वहाँ से भाई को आप संपर्क कर लेना हम वीडियो में नंबर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बहुत सारे फार्मर को फिर फालतू की कॉल आने लग जाती है ठीक है तो धन्यवाद भाई इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए